नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्वाण, आइए शुरुआत करती हैं आज की कुछ खास खबरों से। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक गुरुदेव आशुतोष महाराज की विशेष अनुकंपा के द्वारा महाराणा प्रताप स्कूल नेहरू हॉल के प्रांगण में बेवर नगर मैनपुरी में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसका आज प्रथम दिवस है। और आज विदुषी कथा व्यास मेरु देवा भारती ने नारद प्रसंग को भक्त जनों के समक्ष रखते हुए कहा कि नारद चरित्र संपूर्ण मानव जाति के लिए एक प्रेरणा प्रसंग है, क्योंकि आज मानव सोचता है कि पूर्व जन्म नहीं होता, परंतु ऐसा नहीं। आवागमन के बंधन में बंधी जीवात्मा अनेकों ही जन्मों में भटकती रहती है, अनेकों ही यातनाओं और दुखों को प्राप्त करती है, कष्ट को सहन करती है, और तब कहीं जाकर उसे यह मानव तन की प्राप्ति होती है। परंतु जब जीवात्मा इस दुर्लभ मानव तन को प्राप्त करके भी शाश्वत भक्ति को नहीं प्राप्त करती, तो वह पुनः कष्ट को भोगती है। इसलिए संतों ने कहा कि यह मानव तन श्रेष्ठ है और आज यही एक साधन है भव सिंधु से पार होने का, क्योंकि यह तन दुर्लभता से प्राप्त होने के साथ साथ क्षण भंगुर भी है, अर्थात जल्दी ही नष्ट होने वाला है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक सवारा, भाव यही एक मानव तन है जिसके माध्यम से मनुष्य ईश्वर का दर्शन अपने भीतर कर सकता है और सच्ची भक्ति व सच्ची ध्यान साधना के माध्यम से अपने पूर्व के कर्मों को समाप्त कर आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर सकता है व अपनी आत्मा के मनोरथ को सिद्ध कर सकता है। परंतु इसकी आवश्यकता है एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाने की, जो आपको वो युक्ति प्रदान कर सके, जो शाश्वत मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हमें करा सके। यही नारद चरित्र का सार हमें समझाता है। कार्यक्रम में वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रज्ञा सेंगर मैनपुरी से, मनोज यादव इत्यादि मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। प्रभु की पावन आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एएसबी न्यूज़।